खर्चे बताएं। चंदन सिंह प्रदेश से मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रदेश। और चंदन जी, पिछले एक वर्षों में विद्यार्थी परिषद के द्वारा कैंपस में किस तरह के कार्य किए गए हैं छात्रहित के लिए? पिछले एक वर्षों में अनेकों छात्रहितों के लिए कार्य किए गए, जिनके मार्कशीट के लिए लड़ना रहा हो या फिर FIUP बैच वाले जो छात्र जिन्हें रूल्स के अगेंस्ट जाकर 3700 छात्रों को फेल कर दिया गया, उनके लिए लड़ना रहा हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे एक साल छात्रों के लिए संघर्ष किया है, नए हॉस्टल्स के लिए संघर्ष किया है, नए कॉलेज खुले इसके लिए संघर्ष किया है। और यही नहीं, जब इस बीच में कैंपस के अंदर देश विरोधी नारे लगाए गए और वायलेंस हुआ, उसको शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए भी हम लोगों ने अहम योगदान दिया। और उसके बाद जब हमारी कुछ डिमांड नहीं मांगी गई, एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हम पर थोप दिया गया, जिसकी पूरी तरह से तैयारी नहीं थी और एकदम से बताकर थोप दिया गया, उसके विरोध में हमने 4 दिन की भूख हड़ताल रखी। उन 4 दिन की भूख हड़तालों में हमारी और भी अलग अलग मांगें थी, जिसमें कि हमारी प्रिंटेड मार्कशीट की मांग मान ली गई, जो पब्लिक टॉयलेट छात्रा मार्ग पर बनाने की बात कही गई थी उनकी मांग मान ली गई। और यही नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय और खालसा कॉलेज में जो बहुत से छात्र रोड पर जाकर दूसरी तरफ जाते हैं, उसके लिए एक फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात जो है वो यूनिवर्सिटी ने मांग ली है। यू एस स्पेशल बसेस में कुछ ही कैंपसेस से बस आती हैं, यू एस स्पेशल बसेस में बढ़ाने के लिए जो उन्होंने हमारी मांग मानी थी, अभी तक उस पर वो विचार कर रहे हैं। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? यह होगी कि जो मेट्रो के अंदर किराया बढ़ाया गया है और पिछले जो 17 सालों से अधिक हो गए नया कॉलेज नहीं खुल रहा है, वह एक बहुत ही चिंता का विषय है। सबसे पहले हम इन दो मांगों पर अपने प्रदर्शन करेंगे और वो मांगे मनवाने की कोशिश करेंगे।